क्या राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में वो लड़की भी शामिल हुई थी जिसने फरवरी 2020 में बेंगलुरु में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था? सोशल मीडिया पर चल रही खबर में राहुल गांधी एक लड़की के साथ दिख रहे हैं और उसके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये वही लड़की है जिसने 20 फरवरी को CAA और NRC के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलन में बेंगलुरु के एक कार्यक्रम में हिंदुस्तान जिंदाबाद के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। उसका नाम अमूल्या लियोना नुरान्ना है। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह दावा किया गया है कि 23 सितंबर को एर्नाकुलम में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने और राहुल गांधी के साथ चलने वाली लड़की यही है। उस यात्रा में राहुल गांधी एक लड़की के साथ चलते हुए बात करते हुए और गले लगाते हुए देखे जा सकते हैं। क्या उस लड़की ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था? इंस्टाग्राम देखने से पता चलता है कि एर्नाकुलम में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने वाली और राहुल गांधी के साथ चलने वाली लड़की का नाम मीवा एंड्रिलियो है और वो केरल स्टूडेंट्स यूनियन से जुड़ी हुई है। मीवा एंड्रिलिया और अमूल्या लियोना से कोई नाता नहीं है। एंड्रिलियो केरल स्टूडेंट्स यूनियन की सदस्य हैं। केरल स्टूडेंट्स यूनियन कांग्रेस का ही एक छात्र संगठन है जिसकी स्थापना 1957 में अल्लपूजा में M.A. जॉन ने की थी। इसके महासचिव वायला रवि थे। इससे ये साफ है कि राहुल गांधी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले से नहीं मिले थे। ये दावा गलत है। याद दिला दें कि 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा 150 दिन तक चलेगी। इस दौरान ये 12 राज्यों से गुजरेगी। 3,570 किलोमीटर लंबी इस यात्रा का समापन जम्मू कश्मीर में होगा। यात्रा 12 राज्यों के 20 शहरों से होकर गुजरेगी। तमिलनाडु के कन्याकुमारी शुरू हुई यात्रा केरल के तिरुवनंतपुरम और कोच्ची के बाद नीलांबूर जाएगी। इसके बाद कर्नाटक के मैसूर, बेल्लारी, रायचूर, तेलंगाना के विकाराबाद, महाराष्ट्र के नांदेड़, मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंचेगी। यहां से यात्रा राजस्थान के कोटा, दौसा, अलवर, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, दिल्ली, हरियाणा के अम्बाला, पंजाब के पठानकोट होते हुए जम्मू पहुंचेगी और फिर श्रीनगर जाएगी जहां यात्रा का समापन होगा।